तो बार बार शर्मसार होने के बावजूद पाकिस्तान है कि सुधरने के लिए तैयार ही नहीं है। हर मोर्चे पर मुंह की खाने के बाद पड़ोसी मुल्क ने फिर अपना पुराना पैतरा आजमाया है, कश्मीर घाटी में बैठे अपने पालतू को फिर से उकसाया है। एक बार फिर घाटी अशांत हो रही है और एक बार फिर कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी गैंग की वापसी हो गई है, जो लगातार सेना को टारगेट कर रहे हैं। वही कश्मीर, फिर वही पत्थर, फिर वही गद्दार, फिर वही हालात, फिर वही हिंसा, फिर वही सेना, फिर वही धुआं, फिर वही सियासत। सब कुछ वैसा ही, सब कुछ पहले की ही तरह, सब कुछ असामान्य। जानते हैं फिर ऐसा क्यों हुआ है, क्यों फिर पत्थरबाजी गैंग्स एक्टिव हो गए, क्यों फिर किराए के पत्थरबाज सेना को टारगेट करने लगे हैं। घाटी में आखिरी सांसें गिन रहे देशद्रोहियों को किसने ऑक्सीजन की सप्लाई की? तो सुनिए जरा, इन तमाम सवालों का एक ही जवाब है, पाकिस्तान। जी हाँ, सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से खबर पुख्ता है कि पड़ोसी मुल्क की शह पर फिर घाटी में पत्थरबाजी शुरू हुई। पाकिस्तान ने बाकायदा प्लान बनाकर घाटी के अमन चैन को पत्थरबाजों के हवाले कर दिया। शांति व्यवस्था को कुचलने के लिए पाकिस्तान ने अलगाववादियों को फिर से मोहरा बनाया। अलगाववादियों के कहने पर ही ये पत्थरबाज सुरक्षा बलों को टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तान इनको उत्साहता रहता है और ये लोग उनकी उनकी चाल में आते रहते हैं, और जो नेता लोग हैं, जो गैंग ऑफ फाइव मैं उनको बोलता हूँ, वो वहाँ के वहाँ बैठे हुए हैं। बताया जा रहा है कि महबूबा सरकार की पॉलिसी की वजह से भी घाटी में फिर पत्थरबाजों का आतंक बढ़ा। दरअसल कश्मीर की सरकार ने ज्यादातर पत्थरबाजों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने का फैसला लिया है और तब से पत्थरबाजी की घटनाओं में इजाफा हुआ। इस साल 2018 में घाटी में पत्थरबाजी की 162 घटनाएं हुई। इन पत्थरबाजी में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हुए जबकि 71 जख्मी हुए। सीआरपीएफ की 24 गाड़ियों को पत्थरबाजों ने तोड़ दिए। 2 दिन पहले गद्दारों की पत्थरबाजी की वजह से सीआरपीएफ का काफिला हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें 2 जवानों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि 2017 में घाटी में पत्थरबाजी की 623 घटनाएं हुई, जिसमें 574 जवान जख्मी हो गए, जबकि करीब 200 गाड़ियों को देशद्रोहियों ने नुकसान पहुंचाया। लेकिन जैसे ही एनआईए ने पत्थरबाज और अलगाववादियों के खिलाफ शिकंजा कसा, पत्थरबाज बिलों में जा घुसे। लेकिन अब फिर बिलबिलाकर बिलों से बाहर निकल आए हैं। श्रीनगर, शोपियां और कुपवाड़ा में पत्थरबाजी गैंग सड़क पर उतर आए। इन देशद्रोहियों की जवानों के साथ हिंसक झड़प हुई। शहर शहर पत्थरबाजों के खौफ की वजह से स्कूल कॉलेज बंद रहे। श्रीनगर, कुपवाड़ा और शोपियां में दुकानें बंद रही। सोपोर में स्थानीय लोग और सुरक्षा बलों के बीच जमकर झड़प हुई। हालात बिगड़े हुए हैं और फारूक अब्दुल्ला बातचीत का राग अलाप रहे हैं। ये तो मुसीबत है, आतंकवादी वहीं से आ रहे हैं, हमारा बीड़ा गर्क कर रहे हैं। इससे मैं उनसे कहूँगा, मेहरबानी करके आतंकवाद बंद कर दीजिए, बातचीत का माहौल बन जाएगा, दोनों देश तरक्की करेंगे, वो लोग भी आबाद होंगे, हम लोग भी आबाद होंगे। दरअसल ये पूरी तरह पाकिस्तान की बौखलाहट है। जिस तरह सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट का धमाकेदार आगाज किया, जिस तरह रविवार को पाकिस्तान परस 13 दहशतगर्दों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया, उसके बाद पड़ोसी आतंकिस्तान पूरी तरह बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने अपने कश्मीरी पालतुओं को फरमान सुनाया, फरमान सुनते ही फिर पत्थरबाजी गैंग एक्टिव हो गए। फिर किराए के टट्टू पत्थर लेकर सड़क पर उतर आए, मासूम बच्चों को भी इसमें झोंक दिया। इस सब के बीच सवाल महबूबा सरकार के उस फैसले पर भी उठ रहे हैं, जिसमें उन्होंने पत्थरबाजों पर रहमत बरसाई थी। सवाल है कि पत्थरबाजों के ऊपर से मुकदमा वापस लेना सरकार की कहीं भूल तो नहीं।